स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, बेरिंग लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास हमने, ओके ओके, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग का मतलब है कि आप एंगल मेजर कर रहे हो और साथ में लेंथ मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेप और चेन, उसी को हम कहते हैं कंपास सर्वे। चेन और टेप स्मॉल एरिया और फ्लैट एरिया के लिए तो यूजफुल है, बट जहाँ पे हमारा एरिया इरेगुलर है और लार्ज एरिया है वहाँ पर हम यूज करते हैं कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे में एक चीज डिस्कस हुई थी बेयरिंग। बेयरिंग मैंने बताया था कि बेयरिंग का मतलब आप समझ लो, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बेयरिंग का मतलब है एंगल, और एंगल दो लाइन के बीच में नहीं, आपका मेरिडियन से कितना एंगल है उस लाइन का। मेरिडियन क्या है आपका? एक रेफरेंस लाइन जो नॉर्थ शो करती है। अगर वो लाइन आपका ट्रू नॉर्थ दिखा रही है, अपना माइक म्यूट कर लो भाई, अगर आपका रेफरेंस लाइन ट्रू नॉर्थ दिखा रही है, अगर ट्रू नॉर्थ से आप किसी लाइन का एंगल मेजर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रू बेयरिंग। अगर आपका कंपास दिखा रहा है आपको नॉर्थ, तो वहां से अगर मैग्नेटिक बेयरिंग उसको बोलेंगे, अगर वहां से हम अगर कोई बेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो चुका था। इसके बाद था कि आपके जो कंपास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सर्वे कंपास, एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ये डिफरेंस लिखा हुआ है, एक पॉइंट करके समझा देता हूँ। प्रिज्मेटिक कंपास ये आएगा ही आएगा टेस्ट में, ठीक है? इसको भी स्टार कर लेना, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। और यही आठ पॉइंट आपको लिखने होंगे, इससे कम लिखोगे ना इससे ज्यादा, आठ पॉइंट आपको लिखने हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन सर्कल इज फिक्स्ड टू द ब्रॉड टाइप नीडल, हेंस इट विल नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट। और इसमें लिखा हुआ है कि वो फिक्स होता है, इसमें लिखा है फिक्स नहीं होता। सबसे पहले बात आती है ग्रेजुएशन सर्कल होता क्या है, वो सर्कल जिस पर रीडिंग लिखी होती है। आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है ये दोनों का ये दिखा देते हैं, इसमें ये दोनों कंपास है, ठीक। ग्रेजुएटेड सर्कल ये है आपका, ये सर्कल जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है, ठीक है? ये जो कंपास है आपका, ये है सर्वे कंपास, सर्वेयर, और ये है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक है? इस वजह से प्रिज्मेटिक कंपास है। तो फर्स्ट पॉइंट में ही कह रहा है कि जो ग्रेजुएटेड सर्कल है ना, वो नीडल के साथ फिक्स नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, नीडल के साथ कहीं पर फिक्स नहीं है ये, ठीक है? ये आपकी है नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड है। जो इसका और ग्रेजुएटेड सर्कल का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, यानी कि ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो फिक्स है और आपकी नीडल रोटेट करेगी। अगर आप ए पॉइंट को देख रहे हो यहाँ पे इस लाइन लाइन ऑफ साइट से, और आप बी पॉइंट को देखते हो, तो आपका ग्रेजुएटेड सर्कल रोटेट हो जाएगा बी पे और नीडल आपका नॉर्थ ही दिखाएगी, समझ रहे हो? ऐसे जब आप कंपास को रोटेट करोगे, यानी कि लाइन ऑफ साइट को इसको इस पार्ट को ए के पास ले जाओगे और फिर इस पार्ट को बी के पास ले जाओगे, तो आपका कंपास को हाथ से पकड़ के आप रोटेट करोगे जो ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है, तो जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो आपका बॉक्स के साथ अटैच है, नीडल के साथ अटैच नहीं है। तो जब रोटेट करोगे कंपास को, यहाँ से ऐसे रोटेट करोगे बी की ओर, तो आपका ग्रेजुएटेड सर्कल भी रोटेट होगा और नीडल तो मैग्नेटिक नीडल है, वो तो हमेशा एक ही डायरेक्शन दिखाएगी आपकी, नॉर्थ, ठीक है? तो आप ग्रेजुएटेड सर्कल और नॉर्थ के नीडल के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है उससे आप बेयरिंग मेजर कर लोगे। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो फिक्स बॉक्स है, नीडल के साथ फिक्स नहीं है। अब आप देखोगे प्रिज्मेटिक कंपास में, तो प्रिज्मेटिक कंपास में ये है इसकी नीडल, और ये नीडल किसके साथ अटैच है? आपकी ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ अटैच है जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। अब मैं कंपास को अगर रोटेट करूंगा तो नीडल तो नॉर्थ दिखाती है, ठीक है? अब नीडल नॉर्थ दिखा रही है तो नीडल तो नॉर्थ की तरफ ही रहेगी हमेशा, ठीक है? लेकिन हमारे लाइन ऑफ साइट जो है वो रोटेट होगी। आपको अगर इसमें हल्का सा दिखाई दे रहा हो तो देखो, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये है नीचे ब्लैक कलर का, इसके साथ अटैच है। तो लाइन ऑफ साइट तो आप जिस पॉइंट को देखो उस तरह रोटेट होगी, और ये जो आपका ग्रेजुएटेड सर्कल और नीडल है ये आपका नॉर्थ ही दिखाता रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उस एंगल से आप यहाँ पर एंगल मेजर कर लोगे, यहाँ पर इससे एंगल मेजर कर लोगे, ठीक है? ये डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस
दोबारा से इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? ग्रेजियन सर्कल इज फिक्स्ड टू द ब्रॉड टाइप निडल, हेंस इट विल नॉट रोटेट। प्रिज्मेटिक की बात हो रही है, फिक्स टू द ब्रॉड टाइप निडल, निडल के साथ फिक्स है प्रिज्मेटिक में, और निडल तो हमेशा नॉर्थ दिखाएगी। कंपास में निडल कभी भी रोटेट नहीं होती, क्योंकि निडल तो मैग्नेटिक निडल होती है, वो तो हमेशा नॉर्थ शो करेगी। अगर उसके साथ आपका ग्रेजुएशन सर्कल फिक्स है तो वो भी रोटेट नहीं होगा, केवल लाइन ऑफ साइट रोटेट होगी। और फिर लाइन ऑफ साइट और रेडियल जो आपकी निडल है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उससे आप बेयरिंग नोट कर लोगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है हमारा, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट उल्टा हो जाएगा, इसमें फिक्स है इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। बॉक्स के साथ आप इसे एक लैंग्वेज में कह सकते हो कि जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो निडल के साथ अटैच है प्रिज्मेटिक में, पर बॉक्स के साथ अनअटैच है। सर्वेयर में वो निडल के साथ अनअटैच है लेकिन बॉक्स के साथ अटैच है, ये डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, देयर इज अ प्रिज्मेटिक व्यू एट द एंड, देयर इज नो एंड, द ओनली बाय स्लिट। सेम डिफरेंस नाम से पता चल रहा है कि प्रिज्मेटिक में प्रिज्म होता है और इस सर्वेयर में प्रिज्म नहीं होता। थर्ड पॉइंट, साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन सिमल्टेनियसली और साइटिंग एंड व्यू कैन नॉट बी डन सिमल्टेनियसली। यानी कि अगर आप इसका फिगर देखो, इसका डायग्राम देखो, जब मैं यहाँ पे इस प्रिज्म को ये रोटेट हो जाएगा, प्रिज्म यहाँ आ जाएगा ऐसे, और जब आप प्रिज्म में रीडिंग, यहाँ पर जो रीडिंग लिखी हुई है, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, मान लो यहाँ टू लिखा हुआ है, और आप प्रिज्म में देख के टू नोट कर रहे हो, साथ के साथ आपको ना इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होती है कि आपको लाइन ऑफ साइट भी दिखाई देगी। तो आप ये भी देख रहे हो कि रीडिंग कितनी आ रही है, ये भी देख रहे हो कि हमारा जो बी ए पॉइंट को हम जिस पे रेंजिंग रोड लेके एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज़ एक साथ दिखाई देंगी, एक डिफरेंस ये है। इसमें क्या होगा, पहले आपने यहाँ से देखा, यहाँ पे आपकी आई होगी, यहाँ पे आपकी ये आई है, ठीक है। यहाँ से आपने देखा और यहाँ से आई लाइन ऑफ साइट, और यहाँ से आपने जो वहाँ पे एक लेके खड़ा हुआ है रेंजिंग रोड, इसको आपने देखा। अब रेंजिंग रोड देख रहे हो आप, उसके बाद देखने के बाद जब कॉइंसाइड हो गया ये थ्रेड, तो उसके बाद आप ऊपर से देखोगे टॉप से रीडिंग यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है, इसमें दोनों चीज़ एक साथ एक ही बारे में देखती है। इसमें पहले लाइन ऑफ साइट देखनी होगी, फिर आपको रीडिंग देखनी होगी टॉप से, ग्लास के अंदर जो ग्रेजुएट सर्कल है इसके अंदर क्या रीडिंग आ रही है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, कल मैंने अटेंडेंस अपलोड कर रहा था ERP पे, सुन रहे हो सभी, तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट केवल लास्ट के 5 मिनट में आए हैं, या कुछ स्टूडेंट शुरू में आते हैं ज्वाइन करते हैं क्लास को, फिर वो लेफ्ट हो जाते हैं, फिर लास्ट में 5 मिनट ज्वाइन कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी तक तो मैंने लगा दी है सबकी अटेंडेंस, लेकिन आज के बाद, आज से 50 मिनट्स का लेक्चर होता है, अगर 40 मिनट से लेस किसी का टाइमिंग हुई उसमें तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कभी बोलो कि हम तो आए थे लेक्चर अटेंड किया था और क्लास नहीं लगी है। 40 मिनट्स का है ना, तो लगभग अराउंड 35 तो मिनट होनी चाहिए उसकी, ठीक है। 5-5 मिनट देखा है मैंने, कुछ लोगों को 5 मिनट के लिए केवल ज्वाइन किया लेक्चर, फिर लेफ्ट हो गए हैं वो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो आपका जो था डिफरेंस जो था आपका, देखो फर्स्ट ग्रेजुएट सर्कल प्रिज्म लगा हुआ है, लाइन ऑफ साइट और रीडिंग एक साथ देख सकते हो, सर्वेयर में एक साथ नहीं देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, मैग्नेटिक नीडल डू नॉट एक्ट एज ए इंडेक्स, मैग्नेटिक नीडल एक्ट एज ए इंडेक्स वाइल रीडिंग। आप जो मैग्नेटिक नीडल जो है उसमें प्रिज्मेटिक में, वो ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ अटैच है, ये ग्रेजुएटेड सर्कल है और इसी के साथ ये अटैच है, ठीक है ये। और लाइन ऑफ साइट क्या है, ये है, तो इसमें लाइन ऑफ साइट एज ए इंडेक्स होता है, क्योंकि ये तो फिक्स होती है, तो लाइन ऑफ साइट जो इंडेक्स जो बार लगे हुए हैं, जो रीडिंग लिखी हुई है 1 2 3, तो लाइन ऑफ साइट इस रीडिंग की ओर मूव करता है, हम एंगल मेजर करते हैं। बट सर्वेयर में क्या होता है, नीडल रोटेट करती है। तो यही कह रहा है कि मैग्नेट एज ए नॉट एज ए इंडेक्स और ये एक्ट एज ए इंडेक्स वाइल इन रीडिंग, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करो, फिफ्थ पॉइंट जो है ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ये डिफरेंस के बाद फिफ्थ पॉइंट को बताऊंगा मैं, तब समझ आ जाएगा। फिर अभी ये समझ लो, जो बेयरिंग है, बेयरिंग का मतलब जो एंगल मेजर कर रहे हो आप एक लाइन का, फ्रॉम द मेरिडियन और फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है होल सर्कल बेयरिंग, एक होती है क्वाड्रेंटल वे सिस्टम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो प्रिज्मेटिक है वो जो फॉलो करता है वो ये वाली बेयरिंग फॉलो करता है, होल सर्कल बेयरिंग, और जो आपका सर्वेयर है वो क्वाड्रेंट सिस्टम फॉलो करता है। इन दोनों में डिफरेंस इसके बाद ही आ जाएगा, वो न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके बाद। तो याद रखना, WCB होल सर्कल बेयरिंग प्रिज्मेटिक में होता है सिस्टम,
और क्वाड्रेंट बेयरिंग का सिस्टम होता है सर्वेयर में, एंगल को देखने का तरीका है बस ये, ठीक है। अभी डिफाइन कर दूंगा ये फिफ्थ पॉइंट को मैं, अभी फिफ्थ पॉइंट को सिक्स्थ पॉइंट, ग्रेजुएशन आर मार्क इन्वर्टेड सीन्स इन द रिफ्लेक्शन रीड थ्रू द प्रिज्म ग्रेजुएट। आप देख सकते हो आप इस फिगर में, अगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, इस पर जो जो प्रिज्मेटिक कंपास है और जो सर्वेयर कंपास, ये वाला सर्वेयर कंपास है याद रखना, इसमें रीडिंग इस तरह से लिखी हुई है 20 डिग्री, तो ये तो आपको विजिबल, अगर आप टॉप से देखोगे तो 20 डिग्री आपको आराम से विजिबल हो जाएगा, बट जो आपको प्रिज्मेटिक है इसमें 20 इस तरीके से नहीं लिखा होगा, उल्टा लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है 20 तो उसको देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो प्रिज्म में जब हम देखेंगे प्रिज्म की हेल्प से तो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो यही कह रहा है वो पॉइंट कि ग्रेजुएशन का मार्क इन्वर्टेड सीन्स रिफ्लेक्शन रीड थ्रू प्रिज्म की हेल्प से देखते हैं, इसमें तो डायरेक्टली आप अपनी आई से टॉप व्यू पे देख सकते हो। सेवेंथ है रीडिंग टेकन थ्रू प्रिज्म रीडिंग थ्रू व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास, ये बता चुका है। आठ का है, आठ का जो एट पॉइंट है वो समझ लो, ये कह रहा है प्रिज्मेटिक कंपास के लिए ट्राईपॉड मे बी यूज कर सकते हो और मे बी नॉट, लेकिन जो सर्वेयर कंपास है उसमें ट्राईपॉड नेसेसरी है। तो क्यों है ऐसा थोड़ा सा देख लो, वैसे पॉइंट तो ये याद हो गए होंगे ऐसे ही। आप देखोगे जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसमें ट्राईपॉड जरूरी है, ट्राईपॉड चाहिए इसमें, ट्राईपॉड के ऊपर रखा जाएगा, इसमें जरूरी नहीं है हाथ पे लेके भी आप मेजर कर सकते, क्योंकि इसकी जो निडिल है वो ग्रेजुएट सर्कल के साथ अटैच है। इसकी निडिल है ना केवल एक पिवट पॉइंट होता है पतला सा, उसके ऊपर अटैच होती है, हल्का सा भी हिलाना तो ये निडिल जो होती है ग्लास से टच हो जाती है और ये थोड़ा बैलेंस बना लेती है अपने आप में, तो इसीलिए इसमें ट्राईपॉड जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी, हाथ पे भी रख के आप एक्यूरेसी ला सकते हो इसको रख के, इस पर इसके लिए ट्राईपॉड जरूरी है, ये सेंसिटिव ज़्यादा है, ये सेंसिटिव कम है। तो ये था आपका प्रिज्मेटिक कंपास वर्सेस सर्वे कंपास, अगर किसी का डाउट हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि अभी फिफ्थ पॉइंट रह रहा है, फिफ्थ पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है आगे जाके, तो किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। चलो तो आगे चलते हैं, कोई बोल नहीं रहा है फिर। फिफ्थ पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, और इसी से आगे की चीजें आप समझ पाओगे। ये कह रहा है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो आपको फॉलो कर रहा है होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम, और जो आपका सर्वेयर कंपास है वो फॉलो कर रहा है क्वाड्रेंटल सिस्टम। अब इसको समझ लेते हैं, बेयरिंग तो आपको पता है, बेयरिंग क्या होती है कि आपका ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये लाइन है ए जिसका एंगल मेजर करना है, क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ से जो एंगल आएगा थीटा उसको बोलेंगे हम बेयरिंग, ठीक है। एक होगी मैग्नेटिक बेयरिंग, एक होगी ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक बेयरिंग, और अगर आपका ट्रू नॉर्थ है तो आपका यहां से जो एंगल होगा वो ट्रू बेयरिंग, ठीक है। तो ये है आपका डिजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग इज टू टाइप, होल सर्कल बेयरिंग और आपका क्या है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। देखो क्या कह रहा है, होल सर्कल बेयरिंग लाइन मेजर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग। ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है आपका नॉर्थ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 360 तक जो भी एंगल मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे होल सर्कल बेयरिंग। ये आपका डायरेक्शन ऐसे सो होता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये साउथ है। कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये वाली लाइन ए, इसका एंगल क्या होगा आपका 0 से ये डिग्री थीटा 1। एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे बी, इसका एंगल क्या होगा नॉर्थ से होगा क्लॉकवाइज, ये होगा थीटा 2। एक और एंगल ले लेते हैं एक लाइन, ये रही सी, इसका भी एंगल क्या होगा नॉर्थ से क्लॉकवाइज थीटा 3। तो होल सर्कल बेयरिंग में एंगल बेयरिंग मेजर करने का तरीका ये है, द बेयरिंग ऑफ ए लाइन मेजर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक बेयरिंग, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक बेयरिंग यानी नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग,
एंड इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 360 degree. ठीक है, ठीक है. अब नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया वही बता रहा है, इसको समझ में नहीं आएगा डायग्राम को. इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे 360 है, फिर यहाँ पे आपका जाके 360 हो गया जीरो से स्टार्ट. उसके बाद आता है क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम. अब ये क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम ये क्या कह रहा है समझ लो उसको भी. इन दिस सिस्टम द बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ लाइन और साउथ लाइन. ये ध्यान रखना क्या कह रहा है, नॉर्थ लाइन एंड साउथ लाइन. इसमें केवल नॉर्थ नहीं है, इसमें साउथ भी यूज है. विच एवर इज द नियरेस्ट टू द गिवन सर्वे लाइन. सर्वे लाइन वही जिस लाइन का एंगल मेजर कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि वो किसके पास है. नॉर्थ के पास है तो नॉर्थ से एंगल मेजर करेंगे, साउथ के पास है तो साउथ से मेजर करेंगे. और डायरेक्शन क्लॉक वाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉक वाइज भी हो सकती है. ठीक है, और कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं. तो इसको मैं जरा समझाता हूँ आपको एक ब्लैंक पेज पे. चलो यहां समझ लो, ये आपका है नॉर्थ ईस्ट, मैं बात कर रहा हूं इसकी क्वाड्रेंट बेयरिंग की. साउथ वेस्ट, एक लाइन है ये ओ पॉइंट है, एक लाइन है ओ ए. अगर इसका मैं होल सर्कल बेयरिंग में एंगल मेजर करूंगा तो क्या होगा, वो थीटा वन. और लिखेंगे कैसे, थीटा वन. अगर मैं इसकी बात करूं क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में, तो क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में इसको लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि जो नॉर्थ और साउथ में जो नजदीकी हो, तो इस ए लाइन के ओ ए लाइन के पास कौन सा है, नॉर्थ. तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से क्वाड्रेंट बेयरिंग में, नॉर्थ थीटा वन ईस्ट. इस तरीके से हम इसको लिखेंगे. अब बात करते हैं दूसरी लाइन की. एक लाइन यहाँ पे है, यह है बी ओ बी. ठीक है, इसका एंगल है यहाँ पे थीटा टू. अगर हम क्वाड्रेंट बेयरिंग उसकी होल सर्कल बेयरिंग की बात करें तो बी ओ बी की बेयरिंग क्या होगी, थीटा टू. बट अगर मैं बात करूं किसकी, क्वाड्रेंट बेयरिंग की, तो क्वाड्रेंट बेयरिंग में क्योंकि लाइन साउथ के पास है तो एंगल ये वाला मेजर होगा. ठीक है, और ये वाला एंगल कितना होगा, साउथ, क्योंकि साउथ के पास है. ये एंगल 180 में से थीटा 2 माइनस कर दो, 180, क्योंकि ये पूरा तो 180 है नॉर्थ टू साउथ, और माइनस कर दो होल सर्कल बेयरिंग थीटा 2, और साउथ के बाद क्या आ रहा है, ईस्ट. तो मान लो आपका ये 180 में से माइनस करके आ गया आपका थीटा 3, तो एस थीटा 3 ईस्ट. इस तरीके से लिखेंगे. तो कन्वर्टर कन्वर्ट करने के लिए आता है आपका इसमें, कि होल सर्कल बेयरिंग दी हुई उसको कन्वर्ट करो क्वाड्रेंट बेयरिंग में, या फिर क्वाड्रेंट बेयरिंग दी हुई उसको कन्वर्ट करो होल सर्कल बेयरिंग में. इसमें किसी का डाउट हो तो बताओ मुझे, होल सर्कल बेयरिंग किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट बेयरिंग किसे कहते हैं, कैसे एंगल मेजर करते हैं. ठीक है, ये तो आपको पता है कि कोई भी सर्वे लाइन, सर्वे लाइन का मतलब क्या होगा, चलो तो और बेसिक से चलते हैं. एक प्लॉट है मेरे पास, मेरे घर का एक प्लॉट है, उस प्लॉट का मुझे सर्वे करना है, मेजरमेंट करनी है, मुझे पता करना है कि एरिया कितना है, पैरामीटर कितना है, वहाँ पे ग्राउंड फ्लैट है कि स्लोप है, मुझे कितनी मिट्टी भरनी पड़ेगी, भराव कितना करना पड़ेगा या मिट्टी खोदनी पड़ेगी, स्लोप मुझे अपने पानी का कैसे रखना है. तो उसके लिए मुझे अपने प्लॉट का ना पूरा सर्वे करना होगा, सारी चीज़ें उसकी मैप बनाना होगा, एक प्लान बनाना होगा कि मेरा ग्राउंड आखिर है कैसा और उसमें कैसे काम करना है, कहाँ पे रूम चाहिए, कहाँ पे किचन, कहाँ पे क्या, ये सब तो उसकी मेजरमेंट तो चाहिए. तो हमने एक सर्वेयर को बनाया, बुलाया, ये प्लॉट है मेरा, एक सर्वेयर से कहा भाई सर्वे करो. और उस सर्वे वाले के पास हम कंपास है और उसके पास टेप है, जिससे वो सारे हमारे ग्राउंड की मेजरमेंट लेगा. इस ग्राउंड पे एक पॉइंट, एक लाइन है जीरो से ए, इसकी एंगल मेजर करना है कि नॉर्थ से किस एंगल पे बेयरिंग पे. अब आप बोलोगे कि नॉर्थ से क्यों जरूरत है मेरे को, तो अगर पता करना होगा तो मुझे अपने प्लॉट के रेफरेंस से लेना होगा. तो प्लॉट के रेफरेंस से आप ले सकते हो कैलकुलेट करके, पहले आपको उसकी बेयरिंग तो पता होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पे कंपास रखा, तो कंपास ने मेरे को नॉर्थ दिखाया यहाँ पे, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट,
ये है आपका साउथ और ये है आपका वेस्ट। कंपास कहाँ रखा हुआ है? कंपास यहाँ रखा हुआ है। और रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड क्या होती है? जो स्टूडेंट या सर्वेयर एक एक और साथी में साथ में होगा उसके, वो रेंजिंग रोड लेके खड़ा हो जाएगा यहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक है। कंपास से पहले उसने देखा कि नॉर्थ कहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे, फिर उसने कंपास से देखा ए को, ठीक है, और ये कंपास में एंगल आ गया। अब कंपास उसके पास था प्रिज्मेटिक कंपास, तो प्रिज्मेटिक कंपास में ये एंगल आ गया थीटा वन, जिसकी वैल्यू है, थीटा वन की वैल्यू है डब्ल्यू सी में, क्योंकि प्रिज्मेटिक डब्ल्यू सी में दिखाता है रीडिंग, तो ये हो गई आपकी 80 डिग्री। लेकिन एक दूसरा सर्वे आया, उसने उसी लाइन को मेजर किया और इसी लाइन को मेजर करा, उसने कौन से कंपास से? सर्वेयर कंपास से, जिसमें रीडिंग डब्ल्यू सी भी नहीं आती, क्वाड्रेंट बेयरिंग में आती है। तो जब उसने इस एंगल को मेजर किया तो उसका भी 80 डिग्री आएगा, तो वो लिखने का तरीका क्या होगा उसका, इसको नॉर्थ थीटा वन ईस्ट। अब आप देखो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल आता है तो डब्ल्यू सी बी में जो एंगल आता है वो ही एंगल आपका क्वाड्रेंट बेयरिंग में आता है। डब्ल्यू सी में एंगल थीटा वन कितना आया? 80 डिग्री, ठीक है। और आपका क्यू बी में क्वाड्रेंट बेयरिंग में एंगल कितना आया? वो भी आया 80 डिग्री, बट उसको लिखने का तरीका कैसा होगा? 90 वो नॉर्थ थीटा वन ईस्ट, और डब्ल्यू सी बी में उसे लिखने का तरीका क्या होगा? केवल 80 डिग्री। बट जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जो दूसरी लाइन को कोई मेजर करता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है बी, जब इसका एंगल मेजर करेगा आपको प्रिज्मेटिक कंपास वाला, तो उसको ये एंगल आएगा थीटा टू, और ये एंगल एज्यूम कर लेते 90 + 30, ये हो गया 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। कौन से कंपास से? प्रिज्मेटिक कंपास से, क्योंकि वो तो नॉर्थ से मेजर करता है, और क्योंकि ये ईस्ट के बाद है तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो 90 + यानी कि 120 डिग्री एंगल आ रहा है। अब दूसरा सर्वेयर आया, जिसने कौन सा कंपास यूज किया? सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास हमारा कहाँ से मेजर करेगा? जो लाइन हमारी लाइन जो है जिसके पास होगी, नॉर्थ के पास है तो नॉर्थ से मेजर करेंगे, साउथ के पास है तो साउथ से, लाइन किसके पास है? साउथ के पास। तो लिखने का तरीका तो इसका ये हो गया साउथ ईस्ट, लिखने का तरीका साउथ ईस्ट हो गया, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, साउथ और ईस्ट। अब इसके बीच में क्या एंगल आएगा? एंगल थीटा 120 नहीं आएगा, 120 तो नॉर्थ से है, तो 120 आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 180 में से माइनस कर दो, यानी कि 60 डिग्री, तो ये आएगा 60 डिग्री। सर्वेयर कंपास में तो डायरेक्ट 60 डिग्री दिखा देगा, बट आपको अगर आपको एग्जाम में आता है कि डब्ल्यू सी से कन्वर्ट करो तो आपको 180 से माइनस करना। तो देखो ये आ गया क्वाड्रेंट बेयरिंग में एंगल, और अगर आप बात करें डब्ल्यू सी में तो डब्ल्यू सी बी में है 120 डिग्री। दोनों एंगल सेम है एक लाइन के, लेकिन एक क्वाड्रेंट बेयरिंग में क्यू बी और ये किस में? डब्ल्यू सी बी में। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं पूछता हूं आपसे। हाँ बताओ सर, अगर हमारा जो ए पॉइंट है, अगर हमारा ए ईस्ट पे, चलो ठीक है मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है। ये कह रहे हैं कि एक हमारी जो लाइन है ओ से सीधा ईस्ट पे है, बी पर ओवरलैप कर रही है। अगर इसे हम डब्ल्यू सी में इस एंगल को बोलेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट बेयरिंग, क्योंकि 90 डिग्री क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज। लेकिन अगर देखो यहाँ पे क्या है, क्यू बी में अगर हम देखें इसे, तो क्यू बी में हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये नॉर्थ के भी उतने ही इक्वल है और साउथ के भी उतने ही इक्वल है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? साउथ 90 डिग्री और ईस्ट, और लिख देते हैं यहाँ पे दोनों, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर साउथ पे वेरी करती है तो हम कैसे लिखेंगे? हाँ ये चलो ये एग्जांपल तो अच्छा तो समझ गया, लेकिन इसी एग्जांपल में देखो, अगर लाइन हमारी ओवरलैप करती है साउथ पे, कोई लाइन है ओ बी, तो क्वाड्रेंट बेयरिंग कहता है कि साउथ और नॉर्थ के पास, ये तो साउथ के पास है, ठीक है, बट इसमें ईस्ट लेंगे कि वेस्ट लेंगे बताओ? अगर मैं डब्ल्यू सी बी की बात करूं,
हॉर्स सर्कल बेयरिंग की तो नॉर्थ से एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। बट अगर मैं बात करूं कि साउथ पे एग्जैक्ट वो कोइंसाइड कर रही है हमारी लाइन ऑफ साइट, तो एंगल क्या होगा? एंगल होगा जीरो, क्योंकि साउथ से साउथ पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो, साउथ 0 डिग्री ईस्ट, या आप बोल सकते हो साउथ 0 डिग्री वेस्ट, है तो वो 0 डिग्री। ठीक है, चलो हम चारों पॉइंट का एक बार से दोबारा से करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारा केस ऐसा बनता है कि एक बार लाइन हमारी कोइंसाइड कर रही है नॉर्थ पे, एक बार ईस्ट पे, एक बार वेस्ट पे, एक बार साउथ पे, और चारों का मैं लिख के दिखा देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारी लाइन नॉर्थ पे कर रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ऊपर जो लिखूंगा मैं वो लिखूंगा डब्ल्यू सी बी, और यहाँ पे रीडिंग लिखूंगा क्यू सी बी, क्यू बी लिख दे गया। तो अगर नॉर्थ पे ए पॉइंट है तो डब्ल्यू सी बी एंगल होगा जीरो, और क्यू बी में हम लिख सकते हैं नॉर्थ जीरो ईस्ट स्लैश नॉर्थ 0 डिग्री वेस्ट, दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा लाइन ऑफ साइट कॉन्साइड कर रही है ईस्ट पर, तो एंगल होगा डब्ल्यू सी बी 90 डिग्री, और हमारा क्यू बी में क्या होगा? नॉर्थ 90 ईस्ट, या फिर हम लिख सकते हैं साउथ 90 ईस्ट। थर्ड केस, अगर हमारी लाइन ऑफ साइट सी साउथ पे कॉन्साइड कर रही है, तो ये होगा 180 डिग्री इन डब्ल्यू सी बी। ठीक है, और केस दो बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट बेयरिंग में, नॉर्थ सॉरी साउथ जीरो ईस्ट, साउथ जीरो वेस्ट। फोर्थ केस, अगर लाइन ऑफ साइट हमारी किस पे कॉन्साइड कर रही है? वेस्ट पे, इसके डी पॉइंट डी, तो क्वाड्रेंट बेयरिंग क्या होगी आपकी? सॉरी डब्ल्यू सी बी नॉर्थ से एंगल 270 डिग्री, और आपका इसमें क्या होगा? क्योंकि साउथ के और नॉर्थ के दोनों के पास है, तो एक बार होगा नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट, और एक बार क्या होगा? साउथ 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो चार केस हो सकते हो, लाइन अगर इन चार के अलावा कहीं आ रही तो वो भी मैं बता चुका हूं। अब बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। क्या चीज? डब्ल्यू सी बी में क्लॉक वाइज है ना, एंटी क्लॉक वाइज का है? क्लॉक वाइज है, नॉर्थ से हमेशा डाउन है ना, हाँ हमेशा क्लॉक वाइज देखना है डब्ल्यू सी में। अगर मान लो लाइन तुम्हारी यहाँ पे आ रही है थोड़ा सा नॉर्थ से पीछे, तो एंगल पूरा नॉर्थ से ऐसे रोटेट होके यहां तक मेजर होगा, ये एंगल आ जाएगा लगभग 350 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसी एंगल की, हम बात करें क्वाड्रेंट बेयरिंग में, तो ये एंगल मेजर होगा एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ से वेस्ट की ओर, और ये कितना 10 डिग्री है ना एंगल, तो इसको हम लिखेंगे नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से। तो यही डिफरेंस था आपका प्रिज्मेटिक कंपास में, था आपका होल सर्कल बेयरिंग, और आपका जो सर्वेयर कंपास था उसमें था क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल और भी टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी उसमें रीडिंग दी होती है कि आप डब्ल्यू सी में रीडिंग दी है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको क्वाड्रेंट बेयरिंग, मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल हो तो। हाँ, एग्जाम्पल है मेरे पास, देखो इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेंट बेयरिंग इनटू द हॉर्स सर्कल बेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट पूछा है, पहला पॉइंट पूछ रहा है कि नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को कन्वर्ट करो डब्ल्यू सी बी में। ठीक है, अब पहले तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ से 30 डिग्री, यानी कि ये है
ये एंगल है आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 मिनट। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज ही आ गया ना एंगल, ये रहा क्लॉकवाइज नॉर्थ से, और होल सर्कल बेयरिंग में क्या होता है हमारा, क्लॉकवाइज होता है, तो एज इट ये हो जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट डब्ल्यू सी बी में, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ 50 डिग्री ईस्ट, इसमें देखो साउथ 50 डिग्री ईस्ट यानी कि साउथ है आपका यहाँ पे, ईस्ट है आपका यहाँ पे, और ये साउथ से क्लॉक, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि 50 डिग्री ये एंगल है, ये एंगल। अब इस एंगल को आपको लिखना है डब्ल्यू सी बी में, डब्ल्यू सी बी में एंगल कहाँ से होगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज, यानी कि 180 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर दो, यानी कि ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 50, ये हो जाएगा 130 डिग्री इन डब्ल्यू सी बी, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड में, थर्ड में कह रहा है कि साउथ से वेस्ट है, साउथ वेस्ट ये 20 डिग्री है, तो क्लॉकवाइज हम लेंगे इसमें नॉर्थ से ये वाला, इसमें कोई बता सकता है मेरे को क्या करना है, क्योंकि इसमें तो ऐड हो जाएगी 180 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 180 प्लस 20 यानी 180 200 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। ये भी फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ये है आपका नॉर्थ और वेस्ट 25 डिग्री, यानी कि ये एंगल है, तो आपको हमें अगर डब्ल्यू सी बी में चाहिए तो ये पूरा क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ घूमेगा, ठीक है। तो ये एंगल 360 में से माइनस कर दो 25, है ना, 360 में से, हाँ तो इतना आ जाएगा डब्ल्यू सी बी में, तो देख लेते हैं इसमें आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा ठीक है, सेम होगा, ये इसने दिखाया हुआ है। सेकेंड हमारा आ रहा था 130, ठीक है, ये देखो इस तरीके से ड्राइंग बनाई हुई है। थर्ड आ रहा था हमारा 200 डिग्री 45 मिनट और फोर्थ आ रहा था 335। तो ये चार जो क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, बहुत इजी है। तो है किसी को इसमें डाउट है, कन्वर्ट कर सकते हो ना इजीली, अगर मैं उल्टा बोलूं, मैं बोलूं आपसे 271 डिग्री है किसमें, डब्ल्यू सी बी में, अगर मैं बोलूं इसको कि कन्वर्ट करो क्वाड्रल बेयरिंग में, तो मुझे बताओ कोई एक क्या होगा, दो सौ सत्तर है डब्ल्यू सी बी में से कन्वर्ट करना है क्यू बी में, 270 सॉरी 270 नहीं है 271 है, 271 है, अब करो दोबारा सोच के करो जरा, हाँ क्योंकि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, तो 271 यहाँ आएगा, ठीक है। और ये एंगल दिया हुआ है नॉर्थ से, तो 360 में से आपको ये एंगल निकालना है, और मेजर कैसे करोगे कि ये लाइन किसके पास है, नॉर्थ के पास है आपकी, तो नॉर्थ एंगल वेस्ट इस तरीके का इसका, तो डब्ल्यू सी बी से आप क्यू बी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और क्यू बी से आप डब्ल्यू सी बी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ये टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के उससे भी, और मैंने बोल दिया कि न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास है 8 पॉइंट जो है वो पक्का आएगा, उसे स्टार्ट कर लेना। इसके बाद आगे, इसके बाद न्यूमेरिकल है, उसके बाद आपका लेबलिंग स्टार्ट हो जाएगा और एरर इन कंपास, कंपास के अंदर भी देखो इसमें बिल्कुल सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर को समझो कि जो हमारा सर्वेइंग है वो मेजरमेंट है, सर्वेइंग जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट, पहले हमने चेन और टेप को किया था कि चेन टेप से कैसे मेजर करते हैं, उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया कंपास, कंपास से हम कैसे एंगल मेजर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। फिर आ जाएगा थियोडोलाइट, फिर आ जाएगा लेवलिंग, फिर आ जाएगा टोटल स्टेशन,
तो इंस्ट्रूमेंट आए जा रहे हैं आपके, इंस्ट्रूमेंट में आता है एरर कैसे निकाला जाता है, उन एरर के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया सर्वेइंग का आपका, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पे थी, किसी को कुछ डाउट हो तो मैंने उस पर ओलंपस पे डाल दिए हैं लेक्चर, ये वाला लेक्चर भी मैं अभी तुरंत डाल दूंगा साथ के साथ, तो आप देख लेना, ठीक है। और कुछ दिनों में आपका क्विज भी मैंने बताया था, नेक्स्ट वीक में क्विज होगा, मैं डेट और टाइम बता दूंगा, ओलंपस पे ही करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 10-15 मिनट का होगा, वो भी कर लेंगे, हो सकता है क्लास के टाइम पे ही कर लें और हो सकता है क्लास के बाद कर लें, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं इसको क्लास को लीव कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं ना बोलूँ ना क्लास को मैं लीव कर रहा हूँ, जब तक कोई साइन आउट ना करे, जैसे अभी 32 बच्चे थे और अभी 29 बचे हैं, अब मैं अटेंडेंस डाउनलोड करूंगा तो मैं तो 29 की अटेंडेंस लगाऊंगा ना, इससे पहले 32 स्टूडेंट्स थे, है ना। जब तक मैं ना बोलूँ, जब तक मैं लीव कर लूँ तब कर लेना लीव, देख लिया करो कि मैंने लीव कर दिया तो तुम लीव कर दो, अब मैं डाउनलोड करूंगा तो 4 बच्चे रह जाएंगे इसमें, ठीक है।